वहाँ जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, तभी मेरे को अंकल दिख गए, तो मैंने भी इनसे अपना टीका लगवा लिया। अब आप बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ? अमेजिंग। अब हम महाकाल के मंदिर पे दर्शन करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी शॉप पड़ रही है, कितने सुंदर सुंदर सामान, देख लीजिए आप कितने सुंदर सुंदर सामान है यहाँ पे। हम लोगों को भूख भी लगी थी, बहुत तेज से थे। हमने यहाँ पर रुक के एक जगह खाना खाया जो बहुत ही टेस्टी खाना था, बिल्कुल। अब हम मंदिर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। ओहो कितना चलना पड़ेगा अब, तो हमें कितनी देर चलना पड़ेगा। चलो हम सावन के महीने में महाकाल के दर्शन कुछ अलग ही हैं। काश हमें दर्शन अच्छे से हो जाए, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है। ये महाकाल के पीछे वाली जगह, यहाँ पे एक शिवलिंग रखा हुआ था। महाकाल के दर्शन करने के लिए दोपहर को आए थे, तो हमारे फोन सबमिट करा लिए थे, तो हम आपको दिखा नहीं पाए थे, महाकाल के दर्शन आपको करा नहीं पाए थे। तो फिर हमने सोचा हम एक बार रात को जाते हैं और रात का व्यू देखते हैं। वाओ नाइट में तो बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर लाइटिंग है। रात में महाकाल के दर्शन करने का सच में मजा ही कुछ और था, और रात की लाइटिंग को देख के तो मन कर रहा था कि हमेशा हमें रात में ही यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहिए। जब भी आप उज्जैन आए तो महाकाल के दर्शन के लिए प्लीज रात में जरूर जाएं। ये देखिए, जब हम अंदर जा रहे थे तो इतना रश था वहाँ पे, इतनी लाइन लगी हुई थी, और LED में दिखा रहे थे कि उनका श्रृंगार हो रखा था। जब हमने दिन में दर्शन किए थे महाकाल के, तब उनका श्रृंगार नहीं हुआ था, तो हमें दोनों दर्शन महाकाल के मिल गए, श्रृंगार वाले भी और बिना श्रृंगार वाले भी। ये देखें महाकाल, आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकाल के इतने सुंदर दर्शन होके मन खुशी हो गया। अब हम बाहर निकल गए थे दर्शन करने के बाद। ही महाकाल का मंदिर है जो रात में इतना सुंदर दिख रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।